How are you all? I hope you all are doing good today. We are going to study a good house. Points to study A good house, types of houses, house makers. Ready, steady, start. Before starting the lesson, try to understand why we need a house. Ye ap khud se karenge. A good house. We all need a house to live in. A house is our basic need. The house we live in is called our home. द early पीपल used टू लिव इन caves. दे डिड नॉट नो हाउ टू बिल्ड अ हाउस बट now we नो हाउ टू बिल्ड अ गुड हाउस Our हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड रेन डस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स ओके देखिए हमें रहने के लिए घर चाहिए होता है ठीक है जिस घर में हम रहते हैं उसे होम कहते हैं और होम ही क्या होता है आपका हाउस होता है ओके okay? नाओ पहले के जो लोग थे उन्हें यह नहीं पता था कि घर कैसे बनाते हैं तो वो किस में रहते थे वो केव्स में रहा करते थे ओके okay? और घर आपको सेफ रखते हैं किससे हीट कोल्ड और रेन से थीफ से ओके वाइल्ड एनिमल से भी वी फील सेफ इन आर होम एंड गेट पीस एंड कंफर्ट अ गुड हाउस हैज मैनी फीचर्स इट हैज डोर्स विंडोज सेपरेट रूम्स

सनलाइट जो होती है उसमें वाइटामिन डी होती है और आपके घर के अंदर अगर कोई जर्म्स है तो उन्हें वो किल कर देती है इसीलिए घर में प्रॉपर वेंटिलेशन विंडोज होनी चाहिए जिनके थ्रू सनलाइट घर में आ सके ओके डोर्स एंड विंडोज अलाउ सन लाइट टू एंटर द रूम्स दे ऑल्सो अलाउ फ्रेश एयर इनसाइड आर रूम फ्रेश एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर आर हेल्थ डोर्स एंड विंडोज मस्ट बी नेटेड विथ वायर

आपके घर में एयर का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसके थ्रू आप इनहेल कर सकते हैं ब्रीद इन कर सकते हैं ओके प्रॉपर एयर से सनलाइट आएगी तो जितने भी जर्म्स हैं वो किल हो जाएंगे आपके घरों में जो डोर्स और विंडोज़ होती हैं उन्हें प्रॉपरली नेट से नेटेड होना चाहिए जो कि रोकती हैं फ्लाइज और मॉस्किटोज़ को घर के अंदर आने से ओके वेंटिलेटर्स बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वेंटिलेटर्स के थ्रू घर के अंदर की जो स्टेल एयर है वो बाहर जाती है और फ्रेश एयर जो है वो घर के अंदर आती है ओके क्रिटिकल थिंकिंग हाउ विल यू फील इन अ रूम वेयर देयर इज नो वेंटिलेशन आपको कैसा फील होगा अगर आपके घर में या फिर रूम में कोई वेंटिलेशन नहीं है बिल्कुल बंद बंद फील होगा ओके देयर शुड बी सेपरेट

स्ट्रॉ जैसी चीजों से मिलते हैं जो कि इजीली अवेलेबल होती हैं ओके पक्का हाउस आर स्ट्रांग हाउसेस दे आर मोस्टली फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज पक्का हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक्स सीमेंट वुड आयरन स्टोन एटसेट्रा ओके देखिए पक्का हाउसेस जो होते हैं वो स्ट्रांग हाउसेस होते हैं ये मोस्टली सिटीज और टाउन्स में पाए जाते हैं इन्हें बनाने के लिए टोन ब्रिक्स इन सब की जरूरत लगती है ओके okay? और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाउस होते हैं बंगलोज फ्लैट बिग हाउसेज आर कोल्ड बंगलोव फ्लैट आर द हाउसेज बिल्ड टूगेदर इन द सेम बिल्डिंग ऑन डिफरेंट फ्लोर स्कई स्क्रैपर्स आर वेरी टोल मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग दीज आर फाउंड मोस्टली इन बेग बिग सिटीज ओके देखिये बंगलोज फ्लैट्स और स्काई स्क्रैपर्स ये जो हाउसेज होते हैं ये बिग हाउसेज होते हैं बंगलोज जो होते हैं बिग हाउसेज होते हैं ये सारे हाउसेज जो हैं ये सिटीज या टाउन्स में पाए जाते हैं ओके okay? सम पीपल कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अन अदर दे डू नॉट लिव एट द सेम प्लेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम सच पीपल आर कॉल्ड नोमै ओके कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करते रहते हैं मतलब कि वो एक जगह पे कभी भी रुकते नहीं है वो मूवमेंट करते रहते हैं ऐसे लोगों को हम नोमैड्स कहते हैं दे डो नॉट मेक हाउसेस बिकॉज दे डो नॉट स्टे एट वन प्लेस दे लिव इन टेम्परेरी हाउस कोल्ड कारावास कारावास इज अबल हाउस इट इज अउस ऑन व्हील्स ओके जो नोमैज होते हैं वो एक जगह पे नहीं रुकते हैं वो मूव करते हैं इसलिए उनका कोई पर्मानेंट हाउस नहीं होता है ऐसे लोग जो होते हैं वो कारावांस पे रहते हैं कारावास मूवेबल हाउसेज होते हैं जो कि व्हील्स पर बनाए जाते हैं ओके एक्स्ट्रा शॉर्ट्स

पीपल लाइक सोल्जर्स कैंपर्स एंड माउंटेनियर्स यूज ऑफ कैनवा देखिए टेंट जो होता है वो एक टेम्परे हाउस होता है ओके okay? इसे मूव किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर ओके okay? तो जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं जैसे के सोल्जर्स माउंटेनियर्स कैंपर्स हो गए ये टेंट का यूज करते हैं टेंट जो है वो कैनवास क्लोथ से बनाया जाता है ओके okay?

बैक वाटर्स ऑफ केरला ओके देखिए हाउस बोट जो होती है वो भी मूवेबल हाउसेज होती हैं जो कि वाटर पे फ्लोट करती हैं इस टाइप के जो हाउसेज होते हैं इंडिया में वो पाए जाते हैं कश्मीर और केरला में पीपल लिविंग इन एरिया ऑफ हैवी रेंक स्टिल्ड हाउसेज स्टिल्ड हाउसेज आर बिल्ट ऑन वुडन पिलर्स और पोल्स ओके देखिये स्टिल्ट हाउसेस मतलब के वो लोग जहाँ पे ज्यादा रेनफॉल होती है ऐसे एरियाज में जो लोग रहते हैं वो लोग स्टिल्ट हाउसेस बनाते हैं स्टिल्ट मतलब के वुडन स्टैंड्स होते हैं और उन स्टैंड्स के ऊपर हाउसेस को बिल्ड किया जाता है ओके okay? ताकि जो पानी नीचे भर जाता है रेन का वो उनके घर तक ना पहुंच पाए हाउस मेकर्स वी कैन नॉट मेक आर हाउस अलोन मैनी पीपल आर नीडेड टू बिल्ड अ हाउस दे आर कोल्ड हाउस मेकर्स ओके हम अपना घर अकेले नहीं बना सकते हैं इसीलिए हमें लोगों की जरूरत पड़ती है घर बनाने के लिए तो जो लोग हमारी हेल्प करते हैं हमारा घर बनाने के लिए उन्हें हम हाउस मेकर्स कहते हैं एन आर्किटेक्ट इज द पर्सन हु ड्रोस द प्लान ऑफ अ हाउस ही ऑल्सो डिजाइन द हाउस ओके आर्किटेक्ट जो होता है वो आपके घर का नक्शा बना के देता है कि किस तरीके से घर बनेगा ओके अ लेबरर इज अल्पर ही हेल्प द मेसिन इन ले ब्रिक्स द लेबरर कैरीज ब्रिक्स टू द मेसिन ही ऑल्सो मिक्सिस सीमेंट विद सैंड एंड वाटर एंड कैरीज दिस मिक्सचर टू द मेसिन ओके लेबरर जो होता है वो हेल्पर होता है जो कि मेसन जो कि आपका घर कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं उनकी हेल्प करता है सीमेंट लेके जाके दे के और ब्रिक्स लेके देके ओके अ कारपेंटर मेक्स डोर्स एंड विंडोज फॉर द हाउस अ प्लम्बर फिट्स द पाइप्स ऑफ फॉर वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिशियन फिट्स वायर एंड इलेक्ट्रिक कनेक्शन अ पेंटर पेंट्स द हाउस कारपेंटर घर की जितने भी वुडन चीज़ें हैं जैसे कि डोर्स और विंडोज़ इन सब को फिट करते हैं प्लम्बर आपकी पाइप्स जितनी भी हैं, वाटर का काम जितना भी है वो प्लम्बर करते हैं इलेक्ट्रीशियन जितना भी वायर वर्क है इलेक्ट्रिसिटी का वर्क है वो इलेक्ट्रिशियन करके जाते हैं और पेंटर आपके घर को बनने के बाद पेंट करते हैं ओके दिस वे आर हाउस इज कम्प्लीटेड वी मस्ट कीप आर हाउस क्लीन एंड ब्यूटिफुल इस तरीके से हमारा घर जो है वो बन के तैयार हो जाता है हमें अपने घर को ब्यूटिफुली रखना चाहिए उसे क्लीन रखना चाहिए कीवर्ड्स प्रोटेक्ट टू मेक सेफ फ्रॉम हार कंफर्ट स्टेट ऑफ बींग फ्री फ्राम ट्रबल वेंटिलेशन एंड ओपनिंग इन अ रूम दट अलाउज एयर टू एंटर स्टील नॉट फ्रेश Temporary meant to last for a limited time only. Let's recapitulate. A house is our basic need. The house we live in is called our home. There are two main types of houses: Kacha house and Pakka house. People who move from one place to another are called nomads. Caravans and tents are temporary houses. Many people are needed to build a house. सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे